गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने कभी जीवित लोगों की चिंता नहीं की। राहुल गांधी, कमलनाथ कभी हॉस्पिटल मरीज को देखने नहीं गए, अब ये मुर्दों से बात करते हैं। लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत हो गई है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में बुजुर्गों के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ है, बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा कि जघन्य अपराध करने वाले दरिंदों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, अपराध करने वाले क्रूर लोग हैं और इनसे क्रूरता से ही निपटा जाएगा। वहीं इसी दौरान उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं टिकट उन्हीं को मिलेगा जो कोरोना में मरने वालों की संख्या ढूंढकर लाएगा। कमलनाथ ने जीवित रहते कभी किसी मरीज से मुलाकात नहीं की, अब ये लाशों पर राजनीति करते हैं। इन्होंने कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों से बातचीत की है। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक एक भी नेता अस्पताल में पीड़ितों से मिलने नहीं गया। इनकी मानसिकता ही सेवा भाव की नहीं रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 75 की उम्र में जिन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना चाहिए, यदि वह बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे तो इससे कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की, NSUI और युवा कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। उन्होंने कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदर्शन तो कांग्रेस तब करेगी जब जनता उनके साथ होगी, अभी तो सिर्फ दर्शन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कोरोना के विश्राम के बाद वे भी कुछ कर रहे हैं। अब ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSUI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है, पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती है। अब मैं फिर कहूं कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का सगल है, वो बार बार रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन वो क्या कार्रवाई चाहते हैं बताएं। हर कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये दरिंदे हैं समाज के जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये क्रूर लोग हैं और इस पर पूरी क्रूरता से ही हम पेश आएंगे। लोग तो आए तब तो प्रदर्शन हो, अभी तो दर्शन हो पाते हैं इनके। दरअसल कोविड के आराम के बाद में हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ बुजुर्ग दिखाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता तो कांग्रेस के आंदोलन में कभी रही नहीं। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा दिया था कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने, फिर कहा था कि हम अपने वार्ड अध्यक्षों से सर्वे कराएंगे। अभी कह रहे हैं कि टिकट हम तब देंगे जब पहले कोविड से कितने मरे हैं उनको तलाश के लाओ। जिंदाओं की चिंता नहीं की इनने, एक भी बार अस्पताल नहीं गए राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक। किसी गरीब को राशन नहीं बांटा, पर मुर्दों से कब्रिस्तान में बात इनने की। लाशों पर राजनीति करने के लिए ये बात कर रहे हैं, मानसिकता ऐसी है, सेवा की मानसिकता है ही नहीं, लाशों पर राजनीति करने की मानसिकता है। नरोत्तम मिश्रा ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और उत्तर प्रदेश में पकड़े गए आतंकवादियों के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी करें। उन्होंने बालाघाट में नक्सलवाद पर कहा कि नक्सलवाद को पुनः मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा, जहां भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां पाई जाएंगी सख्ती से निपटा जाएगा। नक्सल को हम मध्य प्रदेश में फैलने नहीं देंगे। हमने लगातार नक्सलियों को ढेर भी किया है मध्य प्रदेश में, हमने उन्हें हमारे पुलिस वालों को पुरस्कृत भी किया है। हमारी टास्क फोर्स की अब वहां पर लगी हुई है, एक केंद्र ने भी हमको दो वाहनियां दी हैं जो हमने बालाघाट में लगा दी हैं। जहां भी जो संदिग्ध मिलता है, पिछले हफ्ते हमने उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है और आगे भी हम उन पर पूरी कार्रवाई करने पर कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने DGP को निर्देश दिए हैं
पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।